हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G64 5G फ़ोन है, तो मोटो G64 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे हटा सकते हैं या फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने मोटो G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे हटा सकते हैं या फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं मोटो G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक आप कैसे हटा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिंपली बस आपको स्लाइड करना है और स्लाइड करते ही आप देख सकते हैं कि आपको चले जाना होगा इसमें से सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाकर आपको बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सिंपली बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिंगरप्रिंट लॉक आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिंगरप्रिंट लॉक को आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं एंड आप रिमूव कर सकते हैं और हटा सकते हैं, और आपके फ़ोन से फिंगरप्रिंट लॉक आपके फ़ोन से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक को आप हटा सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे, और फिंगरप्रिंट लॉक भी हटा सकते हैं। एंड आप चाहें तो यहाँ से फिंगर्स को ऐड भी कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहें या फिर इसका यूज़ करना चाहें तो आप कर पाएंगे इस पर क्लिक करके। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक अपने फ़ोन से हटा पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।